तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे फाइल मेनू बार के अंदर ऑप्शंस की। हमने एक्सेल ऑप्शंस लास्ट क्लास में जस्ट इंट्रो किया था, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम जनरल के बारे में समझे थे कि क्या सेटिंग चेंज किया जा सकता है। हम बात करते हैं फॉर्मूला। देखिए इसमें जैसे बताया था कि हर सेटिंग को जानना जरूरी नहीं है, जो सेटिंग से आपकी बेनिफिट्स है उसी को जानना जरूरी है। तो बहुत सारे सेटिंग्स है, अगर आपने उसको छेड़ दिया तो फिर आपको समझ में नहीं आया कि आपने क्या छेड़ा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर से एक्सेल को रीइंस्टॉल करना पड़ जाएगा। तो उसी तरह से पहले जानते हैं क्या है। तो जो मेन मेन चीजें हैं जो कि आपकी जरूरत है वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो यहाँ आप जो देखिए R1C1 रेफरेंस स्टाइल दिख रहा है, तो यहाँ आपको एक्सेल के अंदर में जो ABCD दिख रहा है सर, अगर इसको आपने R1C1 पे क्लिक कर दिया तो ये ABCD जो है 1, 2, 3 हो जाएगा, और जहां पे A1 होता था वहां पे देखिए R1C1 होगा। अगर एक और समझाते हैं इसमें, कभी लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं वापस इसको चेंज कर देता। तो मैंने इक्वल हमने सेलेक्ट कर लिया B2 को, यहाँ रिजल्ट क्या दिख रहा है आपको, एड्रेस क्या दिख रहा है, B2 दिख रहा है सर। अब वापस जाते हैं फाइल के अंदर एक्सेल ऑप्शन में, और हम जाते हैं फॉर्मूला के अंदर, और ये R1C1 को चेक कर देते हैं। जब मैं R1C1 को चेक करके ओके किया तब देखिए क्या हो गया, R1 R-1 -कॉलम। ज्यादा कंफ्यूजन चीज है ये, मतलब कि आर मतलब रो हुआ, सी मतलब कॉलन हुआ, माइनस वन मतलब कि ऊपर की तरफ और माइनस वन मतलब पीछे की तरफ। हाँ समझ गए, ठीक है। तो कभी इस तरह का फॉर्मूला आए तो आप इस तरह का एड्रेस आ जाए तो आप कंफ्यूज मत लीजिएगा, समझिए कि ये आपका R1C1 रेफरेंस स्टाइल एक्टिवेटेड हो गया है। ठीक, इसको हटाते हैं। इसमें और आता है एनेबल बैकग्राउंड एरर चेक। होता है क्या है कि जब भी आप कुछ गलत लिखते हो, मतलब कि एक्सेल रीड करता है कि ये जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, जैसे मैं नंबर लिख दिया बट नंबर को मैंने एक सिंगल कोट लगा के लिख दिया इन द टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब टेक्स्ट में हो जाने के कारण ये आपको यहाँ मैसेज दे रहा है, आप इस पर कर्सर रखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि द नंबर In this cell is formatted as a text or preceded by apostrophe. होगा वो सर, लेकिन मतलब formatted as a text है, right? अब इसमें करेंगे convert, ये number में convert हो जाएगा, या ignore करेंगे तो आपका ignore हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं आप टाइप करेंगे तो आपको दिख जाएगा, या फिर कोई फॉर्मूला में एरर हो गया, या फिर आपने सीरीज पूरे कॉलम में कुछ और फॉर्मूला एक सेल का फॉर्मूला आपने चेंज कर दिया, तो उन केसेस में आपको आएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेल ऑप्शन पे आते हैं, और एक्सेल ऑप्शन के अंदर आपके फॉर्मूले के अंदर ही ये ऑप्शन होता है, यहां से हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ आपकी फाइल पे, आपके सिस्टम पे हटेगा, अगर किसी को फाइल आपने भेजा तो उसके यहाँ दिखेगा ही। अच्छा, उनका सिस्टम के हिसाब से वो रहेगा। जी जी, लेकिन आपने इग्नोर एरर कर दिया ना सर, जिसने ऊपर में इग्नोर एरर किया हुआ, तो ये हर सिस्टम पे आपको एरर नहीं दिखेगा क्योंकि तो यहाँ पे एरर को इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। उसके बाद डेटा में कोई खास चेंज नहीं है, डेटा में चेंज के लिए कोई फॉर फायदे नहीं है। यहाँ पे सेव पे आते हैं। देखिए जैसे मैं बताया था कल आपको कि जब भी आप फाइल सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्सेलएस आता है, एक्सेल वर्कबुक आता है, ठीक है सर, लेकिन मेरा एक्सेलएस एम आता है क्योंकि मैंने चेंज किया हुआ है। ये चेंज कैसे हुआ हुआ है, क्या क्यों चेंज किया? तो कल मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने फाइल को सेव करेंगे तो डिफॉल्ट आपका सेव जो होता है वो होता है आपका माइक्रो एनेबल वर्क, सॉरी एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक में होता है, राइट सर?
अब ये जो है आपका हर तरह के किसी भी तरह के कोड को एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि आपकी इसमें अगर किसी तरह का कोड लगा हुआ है जैसे कि वीवीएम माइक्रो वगैरह लगा हुआ है तो ये माइक्रो जो है यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ माइक्रो अनेबल वर्कबुक करूँ तो माइक्रो कीप करेगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि आपकी जो माइक्रो वाली फाइल है जिसमें कोडिंग है वीवी प्रोग्रामिंग टाइप की गई है, ऐसे फाइल को हमें हमेशा माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव करना होता है। तो हमें सेव करते समय इस चीज का ध्यान रखना होता है कि गलती से एक्सेल वर्कबुक में सेव ना हो जाए। अब होता है क्या है कि हम घंटों 2 घंटों प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग लिखते हैं, लिखने के बाद हमारा जब प्रोग्राम रन हो जाता है हम एक्साइटेड में ये चीज भूल जाते हैं और हम चेंज ना करके एक्सेल वर्कबुक में ही फाइल सेव कर देते हैं, जिसका अंदर सारा का सारा कोड हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो आगे चले, अभी तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, पर आगे चल के अगर आप हमेशा मोस्टली वैसे मेरी तरह मोस्टली फाइलों में माइक्रो यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हो कि आपको फाइल का डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, सेवेज टाइम। दूसरा, जब भी आप कंट्रोल एस करते हैं तो स्क्रीन पे क्या दिखता है? माई डॉक्यूमेंट दिखता है सर, फोल्डर लोकेशन। हेलो सुशांत जी, हेलो सुशांत जी, हेलो, हाँ, नेटवर्क का इशू था, वो डिस्टर्ब डिस्टेंट हो गया था सर। गया। ओके, कोई बात नहीं। तो सर मैं बोल रहा था कि सेम में जाइएगा तो 2 चीजें चेंज कर सकते हैं, एक तो अपना डिफॉल्ट फाइल लोकेशन, फाइल टाइप, और दूसरा आपकी डिफॉल्ट लोकेशन। जब कंट्रोल एस करते हैं तो आपके सामने माई डॉक्यूमेंट आता है ना सर, तो माई डॉक्यूमेंट के जो आप हर फाइल को माई डॉक्यूमेंट में सेव तो करते नहीं है, उसको हम लोग अलग डी ड्राइव सी ड्राइव अपने एक सिलेक्टेड फोल्डर में सेव करते हैं। तो सिलेक्टेड फोल्डर में बार बार आपको चेंज करना पड़ता है, बार बार जाना होता है, तो यहां से आप उसका पाथ डाल दीजिएगा तो जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे आपको डिफॉल्ट पाथ आएगा ही आएगा। ठीक है सर, ये मतलब सेव टू कंट्रोल बाय डिफॉल्ट ठीक करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। यहां पे पाथ डालना पड़ेगा, जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हो उसका पाथ डालेंगे तो फिर चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक चीज और आती है, ये देखिए ये आपका आता है ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर क्या होता है? जब आपकी फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम के कारण, मतलब सिस्टम की गलती के कारण फाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना सर, सिस्टम की गलती के कारण आपकी फाइल ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है तो आपका वो ऑटो रिकवर क्या करता है, डेटा को रिकवर करके एक लोकेशन में डालता है। तो हर 10 मिनट में ऑटो रिकवर बाय डिफॉल्ट चलता है, यहां से आप अपने मिनट्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे फाइल ओपन करेंगे आपको वहां से दिख जाएगा, अगर हमारा कभी नहीं दिखा तो आप इस लोकेशन पे जा सकते हैं क्योंकि आपका ऑटो रिकवर इस लोकेशन पे सेव होता है, अपने लोकेशन चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे होता है कि किसी आपने मान लीजिए कि कुछ फाइल ओपन कर रखी है, आप चाहते है कि कुछ फाइलों में ऑटो रिकवर ना चले। अब ऐसा क्यों चाहेंगे? जैसे आपके पास एक बड़ी डंप फाइल है जिसको खोलते ही काफी टाइम लगता है, बहुत बड़ी फाइल है, तो ऐसे फाइल को क्या करेंगे हम, ऐसे फाइल को ऑटो रिकवर से बाहर कर देंगे, क्योंकि जैसे ही ऑटो रिकवर चलता है सेव होता है तो बहुत हैंग होता है ऐसा सिस्टम। बोलो सर, आपका स्क्रीन स्टॉप करके सर, आप स्टॉप पर शेयरिंग करेंगे, आपका स्क्रीन देख पा रहा हूँ। अभी स्क्रीन अभी अभी आ रही नहीं है सर आपको, एक्सेल ऑप्शन का विंडो नहीं दिख रहा है आपको?
नहीं कुछ विजिबल नहीं है, आप एक बार स्टॉप कर लेंगे फिर दोबारा शेयर करेंगे। ऐसे भी सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही, आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपका इंटरनेट स्लो है सर। प्रॉब्लम है आज। अभी दिखा सर? हाँ अभी करेक्ट आ गया है, नाउ इट्स ओके। ओके तो देखिए यहां पे सिंपल समझ लीजिए, एक्सेल वर्कबुक यहां से आप अपने अनेबल वर्कबुक को सेव कर सकते हैं, यहां से अपना ऑर्डर रिकवर को चेंज मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहां पे टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, या ऑर्डर का लोकेशन चेक कर सकते हैं, यहां अपना डिफॉल्ट फाइल लोकेशन डाल सकते हैं, और यहां पे आप अपने किसी भी फाइल को ऑटो रिकवर से डिसेबल कर सकते हैं, सिंपल सा। ओके ठीक है उसके बाद लैंग्वेज भी खास नहीं है, एक्सेसिबिलिटी भी खास नहीं है इसमें, एडवांस एडवांस में नहीं, इसमें एक प्रूफिंग है, माफ कीजिएगा प्रूफिंग हमने छोड़ दिया। तो प्रूफिंग में क्या होता है कि इसमें जैसे कि आपका स्पेल चेक चले तो क्या क्या इग्नोर हो दिया गया है, तो उतना खास है नहीं। ऑटो करेक्ट जो है खास है, क्या होता है ऑटो करेक्ट में क्या होता है कि आप जो है इसमें दो चीजें इसमें मेन है, एक तो है अपने लिए कोई शॉर्टकट बना सकते हो, जैसे मान लीजिए मुझे कोई सेंटेंस कोई वर्ड बार बार टाइप करने पड़ते हैं, उसकी स्पेलिंग में भूल जाता हूँ या फिर बहुत बड़ा है, इसलिए आप उसकी शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे मैंने डी एस लिख के स्पेस मारा तो डेली सेल्स, डेली सेल्स रिपोर्ट हो गया, डी एल लिख के स्पेस मारा तो न्यू दिल्ली आ गया। ठीक है सर, ये ठीक है। कैसे इसमें आया? आपने इंसर्ट करना पड़ता है। हाँ इसके आप एक्सेल ऑप्शन में प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट में जाइए, यहाँ पे आप क्या टाइप करना चाहते हैं और यहाँ क्या चेंज हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे डीएल से यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा था ना सर, लिखने के अच्छा बाद आप जो है ऐड कर दीजिए, वो आपका रिप्लेस कर देगा। ठीक ये है ओनली मेरा सिस्टम में होगा, जो जिस सिस्टम में जी, आप करेंगे वही सिस्टम में हो जाएगा। देखिए अभी हम चेंज जो कर रहे हैं एक्सेल की एप्लीकेशन चेंज कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर फाइल चेंज नहीं कर रहा, हम एप्लीकेशन चेंज कर रहे हैं, तो जो भी सेटिंग इफेक्टेड होगी वो मेरी एप्लीकेशन में इफेक्टेड होगी, किसी पर्टिकुलर फाइल पे इफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है ठीक है सर। तो यहां पे देखिए क्या लिखा, इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक्स दिख रहा है सर, बराबर दिख रहे ये हैं। भी एक अच्छी चीज है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की ईमेल आईडी आपने डेटाबेस बनाया और किसी की ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा कि kumar@iptindia.com, एंटरप्राइज किया तो यहाँ पे जो है आपके सामने आ गया kumar@iptindia, बराबर आ गया सर। तो इसको हाइपरलिंक नहीं आने के लिए हमको ये करना पड़ेगा। हाइपरलिंक से दिक्कत क्या है देख लीजिए, जैसे एक तो चलो ठीक है डेटाबेस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डेटाबेस में क्या होगा कि इस तरह का हो गया, अब मुझे किसी को चेंज करना है तो क्लिक हो जाएगा, मुझे अगर अच्छा सिलेक्ट ये क्या करना है तो तो क्लिक हो जाएगा, सर आपको ना मुझे मान लो बराबर। चेंज करना है तो मुझे यहां पर रख के फिर जाना पड़ेगा, या फिर आपको टाइप करने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके सामने होम मेनू बार के अंदर ही होता है क्लियर में, क्लियर हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक, दिख रहा है क्लियर हो गया। तो एक्सेल ऑप्शन में आप अपनी सेटिंग ये चेंज कर सकते हैं, प्रूफिंग में ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, और यहां से इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विथ हाइपरलिंक, इसको अनचेक कर दीजिए, अच्छा जैसे आप इसको अनचेक करेंगे आपका हट जाएगा। लिंक चला जाएगा। टाइप करने पे आएगा, उसके अलावा एडवांस क्या आते हैं, एडवांस में क्या होता है कि एंटर मारने पे क्या होता है कि आपका कर्सर डाउन जाता है, यहाँ पे आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि डाउन की जगह लेफ्ट राइट अप जाए, ये अभी देखिए ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, इसको चेक मत कीजिएगा, चेक करने से क्या होगा कि हर नंबर आपका दो डिसिमल डिजिट आ जाएगा। दो डेसिमल नहीं आएगा सर, वो 100 से डिवाइड हो जाएगा, अच्छा कि मैंने क्लिक कर दिया ना, अब मैं यहां पे डालता हूं 500, क्या आया सर, अच्छा डिवाइड हो गया 100 से। अब 40 डालूंगा तो 0.4, 60 डालूंगा 6,
तो 100 से डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि हमने दो कर रखा है, मैं तीन करूंगा तो 1000 से होगा, क्योंकि ठीक है? यहां नंबर थ्री हो जाएगा तो 1000 से हो जाएगा। इसके बाद आता है ये आपका आता है एनेबल फिल हैंडल, जो हम पकड़ के जो ड्रैग करते हैं ना, अगर यहां से अनचेक कर दिया तो ड्रैग नहीं होगा। उसी तरह से सेटिंग है, इसमें आप अपने पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रोल, अभी अभी यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर फाइल सेलेक्ट है ना सर, तो ये जो सेटिंग हो रही है एक पर्टिकुलर फाइल पे हो रही है, पर्टिकुलर सीट पे हो रही है, ठीक है? तो यहाँ देखिए डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ये आपका डिस्प्ले जो यहाँ पे दिख रहा है ना 1 2 3 यहाँ दिख रहा है, वो इधर आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार, सीट टैग, जो स्क्रॉल बार दिख रहे हैं, सीट के नेम दिख रहे हैं, वो हट जाएंगे यहाँ से। कॉलम का हीडर जो एबीसीडी है, 1 2 3 है, ये हट जाएगा, सीट लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, पेज ब्रेक शो हो जाएंगे, जीरो अभी जीरो शो हो रहा है, चेक कर देंगे तो जीरो शो नहीं होगा। तो ये छोटी मोटी सेटिंग है, हालांकि इसकी जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है। इसमें से एक ऑप्शन है सबसे ज्यादा खास है एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जैन लिख के नीचे ड्रैग करते हैं तो क्या हो जाता है, जैन फाइव मार्च। आप यहाँ पे संडे मंडे लिखते हैं तो क्या हो जाता है, संडे मंडे। उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिखा पूजा और नीचे ड्रैग किया तो आपके सिस्टम में तो पूजा रिपीट हो जाएगा, बट मेरे सिस्टम में एक लिस्ट आया। क्यों लिस्ट आया? क्योंकि एक्सेल ऑप्शन के अंदर हमने एडवांस के एडिट कस्टम लिस्ट में हमने ऐसे लिस्ट तैयार कर रखी है, समझे? अच्छा, तो मैंने यहाँ पे नेम लिस्ट, सिटी लिस्ट और यहाँ पे अब मंथ लिस्ट तैयार कर रखा है, बाकी तो डिफॉल्ट है। तो कैसे करेंगे, न्यू लिस्ट पे जाइए, यहाँ लिस्ट कुछ इस तरह से ऐड कर दीजिए या कॉपी पेस्ट कर दीजिए या कहीं सिलेक्ट कर रखा है तो सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, वो ऐड हो जाएगा और हर एक्सेल फाइल में इसका लिस्ट आपको दिखेगा। कोई एक नाम लिखिए, ड्रैग मार दीजिए, उससे लिस्ट कंटिन्यू हो जाएगी। ओके सर, ठीक है सर। सर इसमें और एक थोड़ा सा डाउट था, उसमें कोई एक्सेल ओपन करने से वो मिनिमाइज होकर ओपन कर रहा है, मतलब मैक्सिमाइज नहीं आ रहा है, उसके कहां से टिक ऑन टिक करेंगे? मतलब कि आप जब ओपन खोलते हैं तो ये आपका मैक्सिमम होता है डिस्प्ले, यहाँ डिस्प्ले में होगा, सो नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक, क्विकली एक्सेस नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक्स, so dig unip recent folder, so formula bar, so screen name, display, when you create new workbook, कोई भी existing फाइल ओपन किया तो वो मिनिमाइज होके आ रहा है, उसके बाद मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। उसको एक बार मैक्सिमाइज कर दीजिए ना, ओपनिंग में मैक्सिमाइज करने के लिए हर टाइम, एक्चुअली क्या है मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, हर टाइम कोई भी एक्सेल ओपन किया ना और सभी को मैक्सिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूं उसका ऑप्शन। हां ठीक है, हम पार्किंग करते हैं बाद में उसको, ठीक है। इसमें और इसी अंदर कोई आप भी एक बार देख लीजिएगा ना, इसमें कुछ ऑप्शन होगा हां जिससे आपका, इसमें कुछ ऑप्शन होगा, कुछ तो ठीक हुआ है और ऑलवेज आ रहा है, तो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे सर। उसके बाद कस्टमाइज रिबन पे आते हैं, तो रिबन मतलब होता है ये जो आप मेनू बार है ना सर, इसको रिबन कहा जाता है। तो रिबन में आपको जैसे कोई मेनू बार, आप देखिएगा आपके सिस्टम में आपको डेवलपर टैब नहीं दिख रहा होगा, नहीं डेवलपर टैब। तो ये जो कोई मेनू बार को हटाने से, मान लीजिए मैं ड्रॉ है ना, मुझे ड्रॉ नहीं शो करना है, तो मैं ड्रॉ को हटा दिया, तो ओके करने के बाद ड्रॉ आपको नहीं दिखेगा। उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल नहीं कस्टमाइज रिबन में आता हूं, तो यहाँ देखेंगे कमांड नॉट इन रिबन दिख रहा है, इतने सारे कमांड जो है ये रिबन नहीं है, मैंने आपके मेनू बार में नहीं।
अब जिसको आपको लाना है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपको ऐड करना, लेकिन डायरेक्ट ऐड इस तरह से नहीं होगा सर। ऐड करने से पहले आपको कस्टम ग्रुप ग्रुप बनाना, न्यू ग्रुप बनाना पड़ेगा। इससे मैंने बनाया था, न्यू ग्रुप क्लिक करते ही यहाँ पे न्यू ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इस ग्रुप का नेम भी कर सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो, लोगो भी दे सकते हो, न्यू ग्रुप आ जाएगा। फिर उस न्यू ग्रुप में जो आप ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। ऑटो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखिए ऑटो फॉर्मेट आ गया। तो होम मेनू बार के अंदर न्यू ग्रुप में यहाँ दिख रहा है ना सर, ये आपका ऑटो फॉर्मेट आ जाएगा। उसी तरह से आप नया टैब भी क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू टैब पे क्लिक किए और नया टैब बन जाएगा आपका, ठीक है। न्यू टैब मतलब जैसे होम इंसर्ट इस टाइप का न्यू टैब भी आ जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पे आता है आपके सामने क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो ऊपर दिख रहा है सेव है, ऑनडो है, रिडो है, इसके अलावा तीन चार दिख रहा है ना सर, इसी को बोलते हैं क्विक। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन चाहिए, जैसे मैं ऑल बोर्डर्स रख रखा हूँ, कैलकुलेटर रख रखा हूँ, तो ऐसे यहाँ से आप लेके आप ऐड करेंगे, जितना ऐड करेंगे यहाँ पे आपको आता जाएगा। तो ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे मैं बॉर्डर की बात करूं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बॉर्डर आ गया, आ गया सर। मुझे कैलकुलेटर यहाँ पे क्लिक करूंगा, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ऐसे था अल्ट प्रेस करेंगे था नंबर आता है, अब अल्ट में नंबर 6 करूंगा तो देखिए कैलकुलेटर ओपन होंगे। मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ 5 प्रेस करूंगा और यहाँ पे देखिए आ गया, ठीक है सर। बराबर इस तरह की चीजें आप एक्सेल ऑप्शन के अंदर कस्टमाइज रिबन में ला सकते। अब एडिंस की बात करते हैं, हालांकि एडिंस मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, फिर बताओ तो एडिंस क्या है। जैसे कि अब कुछ नई चीज, मतलब किसी को आपने बोला कि मैं मेरे लिए कुछ फॉर्मूले बना दो, तो फॉर्मूले बना के आपको क्या कैसे देगा, तो वो आपको एड इंस में देगा, तो उसको आपको एड करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो एक्सेल ऑप्शन इसके लिए यूज किया। तो अब हमने आपका एक्सेल मेनू बार का ऑप्शन जो है, फाइल मेनू बार जो है यहाँ पे मैंने आपका फिनिश कर,